Welcome to my Institute Gurukul classes. Let's start with concept. Concept is power. Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Gurukul Classes, Changing the Way of Learning. I am Chandan Kumar. Once again, welcome to you. Now in this video, I will discuss about some questions of real numbers. आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस क्वेश्चन को पी वाई क्यू के रूप में कैसे व्यक्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे शॉर्ट वे में सॉल्व करने का तरीका। तो 0.57 है, दोनों पर एक रिंग है, तो आँख बंद करना है और एक पाइप पारना है। पाई पारने के बाद दशमलव के बाद जितना अंक है गिनेंगे, एगो दूगो, और देख लेंगे दोनों पावृत्ति है या नहीं है। अगर दोनों पावृत्ति है तो दोनों के बदले दूगो नीचे नौ, ठीक है ना, दूगो नीचे नौ। आओगे जितना ऊपर लिखा है उतना लिख देंगे 57, तो कितना हो जाएगा हम लोग 19 + 57 (33 + 99) तो आंसर आ जाएगा 19/33। एकदम शॉर्ट वे में, यानी एक नंबर कोई नहीं छोड़ के पकड़ेगा, एक नंबर हमारा आईवे करेगा, कोई नहीं काट सकता है। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में देखेंगे कितना आता है, तब जरा देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहला काम हम लोगों को क्या रहता था जी, कहते थे ना कि मान लेना है, माना कि क्या, माना कि एक्स बराबर 0.57 दोनों पर रिकरिंग, रिकरिंग यानी आवृत्ति के मतलब एक संख्या बार बार आ रहा है। तो कहेंगे क्या, एक्स बराबर 0.57 .. ठीक, यही ना होता है। तब हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ चूंकि यहाँ पुनरावृत्ति कितने अंक हो रही है, पुनरावृत्ति 2 अंक, दो अंक 5 और 7 की हो रही है, ठीक है ना, 5 और 7 की, 2 अंक 5 और 7 की हो रही है। तो क्या हम लोग बताया गया था, जितना अंक की पुनरावृत्ति हो उतने 1 पर 0 से गुना करना है। तो लिखेंगे क्या, अतः 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 2 के 2 के 2 के, तो लिख देंगे अतः 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर, 100 से गुना कर देंगे, तब जरा देखिए क्या हो जाएगा जी। तब लिखेंगे दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे तो 100 एकरा इक्वेशन नंबर मान लो फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा 100x = 57.57, ठीक है। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर का सेकेंड, अब एकरा में से एकरा घटा देना है, तो लिखेंगे का समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट से, तो क्या हो जाएगा 100x में से x गया तो 99x बराबर 57 में से ही गया तो 57, आ x बराबर क्या हो जाएगा 57/99, तो x बराबर क्या हो जाएगा 19/33। तो बताइए, लगता है दिख रहा है क्या, देख लेते हैं जरा दिख रहा है कि नहीं, से एकदम दिखेगा। तो कह दिए क्या, एक्स के वैल्यूआ कितना आया जी 19/33। तो बताइए कै सेकेंड लगा होगा इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करने में, मुश्किल से 1 मिनट। तो बताइए हम लोग 1 मिनट के अंदर चुटकी बजाते ही क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर दे रहे हैं, तो आपसे भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए हम लोग, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो ना तो एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, यानी चैनल को, इस वीडियोज़ को देखने वाले बच्चे अगर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोज़ में।